हेलो बच्चों, आज मैं आपको पंचतंत्र की एक और नई कहानी सुनाऊंगी, जिसका नाम है पांडा की दोस्ती। किसी बर्फीले पहाड़ की चोटी पर कुछ ध्रुवीय भालू रहते थे। उसी पहाड़ के नीचे की तरफ बहुत सारे पांडा भी रहते थे। ध्रुवीय भालू कभी पहाड़ के नीचे की तरफ नहीं जाते थे और पांडा कभी ऊपर की तरफ नहीं जाते थे, इसलिए उनका कभी आमना सामना नहीं हुआ था। एक दिन एक बच्चा पांडा अपनी माँ से पूछता है, माँ हम कभी पहाड़ के ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाते? क्योंकि ऊपर की तरफ ध्रुवीय भालू रहते हैं। मैंने सुना है कि वे बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए हम कभी पहाड़ के ऊपर नहीं जाते और न ही वे कभी नीचे की तरफ आते हैं। माँ आप उनसे मिली हो? नहीं बेटा, मैं उनसे कभी नहीं मिली। चलो अब तुम अपने दोस्तों के साथ खेलो और मुझे आराम करने दो। एक तरफ जहाँ पांडा ध्रुवीय भालू के बारे में पूछता है, वहीं दूसरी तरफ एक ध्रुवीय भालू का बच्चा भी अपने पापा से पूछता है, पापा हम हमेशा इस चोटी पर ही क्यों रहते हैं? कभी नीचे की तरफ क्यों नहीं जाते? क्योंकि पहाड़ की नीचे की तरफ पांडा रहते हैं। मैंने सुना है कि पांडा सिर्फ अपनों के साथ ही प्यार से रहते हैं, इसलिए हम कभी नीचे की तरफ नहीं जाते और ना ही कभी वह ऊपर की तरफ आते हैं। भालू आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पहाड़ की चोटी पर भूस्खलन होता है, जिसकी आवाज पांडा तक ही पहुंचती है। लेकिन उसका असर सिर्फ ध्रुवीय भालू पर ही होता है। आवाज सुनकर सभी पांडा डर जाते हैं और एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। अरे यह डरावनी आवाज कैसे थी? जरूर पहाड़ की चोटी पर भूस्खलन हुआ है। वहाँ तो ध्रुवीय भालू रहते हैं, वे सब ठीक तो होंगे ना? वो हमें नहीं पता। चलो सभी अपने घर वापस चलते हैं। अगली सुबह बच्चा पांडा अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए घर से बाहर निकलता है। थोड़ी दूर पहुंचने पर उसे एक जगह बहुत सारी मिट्टी पड़ी हुई नजर आती है। ये मिट्टी का ढेर कल तक तो यहाँ नहीं था। वे मिट्टी के इतने बड़े ढेर को वहाँ देख असमंजस में पड़ जाता है। तभी उसके अंदर से एक भालू बाहर निकलता है। अरे तुम कौन हो? तुम इस मिट्टी के ढेर में क्या कर रहे थे? ये पांडा हमारे पहाड़ का तो नहीं लगता, इसका रंग भी हमसे कुछ अलग है। दोस्त तुम कहाँ से आए हो? लगता है मेरे ऊपर मिट्टी लगने की वजह से यह लोग मुझे पहचान नहीं पाए और मुझे एक पांडा समझ रहे हैं। बताओ दोस्त तुम कौन हो? मैं कल रात ही इस पहाड़ पर नया आया हूँ और बिल्कुल अकेला हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? सब बच्चे उससे दोस्ती करने के लिए हाँ बोल देते हैं और वे बच्चा भालू पांडा के साथ रहने लगता है। बेटा तुम कौन से पहाड़ से आए हो? मैं यहाँ से थोड़ी दूर एक पहाड़ पर रहता हूँ, घूमने के लिए निकला था पर मैं रास्ता भटक गया और यहाँ पहुँच गया। माँ आज से ये हमारे साथ ही रहेगा। ठीक है बेटा। यह पांडा कितने अच्छे हैं, ये मेरी मदद कर रहे हैं। चलो दोस्त हम सब मिलकर बाहर खेलने चलते हैं। भालू खुशी खुशी पांडा के साथ रहने लगता है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। एक दिन सभी पांडा खेलने के लिए पहाड़ पर बह रही नहर के पास जाते हैं। भालू जब वहाँ पहुँचता है तो पानी देखकर घबरा जाता है। अगर यह पानी मुझ पर गिर गया तो मेरी असलियत सबके सामने आ जाएगी, मुझे किसी भी तरह पानी से दूर रहना होगा। भालू खुद को पानी से बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन खेलते खेलते भालू को धक्का लगता है और वह पानी में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर लगी मिट्टी हट जाती है। भालू को देख सभी पांडा हैरान रह जाते हैं। तुम तो एक ध्रुवीय भालू हो। अरे यह बहुत खतरनाक होते हैं, हमें जल्दी घर वापस चलना चाहिए। सभी भागते हुए अपने घर वापस आ जाते हैं। उनके पीछे पीछे भालू भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर मादा पांडा बोलती है, ये ध्रुवीय भालू यहाँ कैसे आया? माँ ये वही पांडा है जो पिछले कुछ दिनों से हमारे साथ रह रहा था। आप सभी कृपया करके एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? कुछ दिनों पहले पहाड़ की चोटी पर भूस्खलन हुआ था, जिसकी वजह से मैं पहाड़ के टूटे हुए टुकड़े के साथ नीचे गिर गया और यहाँ पहुँच गया।
मेरे शरीर पर मिट्टी लगे होने की वजह से आप सभी ने मुझे भी पांडा समझ लिया और मेरे साथ प्यार से रहने लगे। मुझे वापस जाने का रास्ता भी नहीं पता था, इसलिए मैं यहाँ रुक गया। लेकिन तुमने हम सभी से झूठ बोला। मैंने सुना था कि पांडा सिर्फ अपनों के साथ ही प्यार से रहते हैं। मुझे लगा कि अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक ध्रुवीय भालू हूं, तो शायद आप लोग मुझे यहाँ ना रहने दें। इसलिए मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। तुम बहुत दिनों से हमारे साथ रह रहे हो, इसलिए मैं ये बोल सकती हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो और हम सभी को तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो सुना था कि पांडा सिर्फ अपनों के साथ ही प्यार से रहते हैं, आज आप सभी के व्यवहार ने इस बात को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। हमने भी हमेशा यही सुना था कि ध्रुवीय भालू बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन तुम बिल्कुल भी वैसे नहीं हो। हमें तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। पांडा और भालू बातें कर ही रहे होते हैं, तभी भालू के पापा उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं। अपने पापा को देखकर भालू बहुत खुश होता है और भागकर उनके पास जाता है। बेटा, तुम ठीक हो? मुझे तो लगा था कि शायद मैं दोबारा तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। पापा, आज मैं इन पांडा की वजह से ही जिंदा हूँ। अगर यह लोग मुझे अपने साथ नहीं रहने देते, तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। आपने मेरे बेटे की जान बचाई, उसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। इसके बाद पांडा और भालू बहुत सारी बातें करते हैं और कुछ देर बाद भालू अपने बेटे को लेकर वापस पहाड़ की चोटी पर चला जाता है, जिसके बाद पांडा और ध्रुवीय भालू हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रहने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी को जाने बिना उसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए और हमेशा सभी के साथ मिलकर रहना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।